हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से क्रिकेट 22 खेलने जा रहे हैं। जैसे कि आपको याद है कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने फर्स्ट मैच अपने करियर का खेला था, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ये वनडे मैच है। ओके, तो हमारी टीम ने बॉल डिसाइड की है। ओके टू गाइस, 266 का टारगेट मिला है हमें। तो अभी हमारी बैटिंग आ गई और हमारे फर्स्ट इनिंग में 91 एक ही मैच हम खेले, तो हमारी 150 है, 91 रन है। ओके, कवर्स में फील्डिंग तो बहुत खाली थी, आइडियल टाइमिंग हुई ये शॉर्ट सिलेक्शन, और फुटवर्क में थोड़ा मसला हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। तो ब्लैक साइड पे गैप है। ओके, तो स्ट्रेट ड्राइव खेलिए बहुत प्यारी और मिलेंगे 4 रन। वैसे तो ओडीआई मैच है, लेकिन अभी मेरे को जैसी बॉल, अगर मुझे कोई अच्छी बॉल लगेगी तो मैं तो ट्राई करूंगा कि बाउंड्री मिले, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर हम टारगेट चेस करें, क्योंकि एआई वालों का तो पता नहीं कि कब डाउन हो जाए पूरे, ऑल टीम इन आउट हो जाए। ओके, क्या कवर ड्राइव खेली है, मिडल हुई थी बॉल, मिलेंगे 4 रन। कैसी मिडल हुई थी, बिल्कुल मिडल में, कैसा प्यारा खेल है। लेग साइड पे बहुत बाउंड्री खाली है। ओके, तो फुल बॉल थी लेकिन शॉट सिलेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हुई। ओके, तो कवर्स पे फील्डिंग खाली है, लेकिन पैरों के आगे बॉल में तो स्ट्रेट ड्राइव मारी है, गुड टाइमिंग थी, 4 रन हो गए। तो पैरों के आगे थी, लेग साइड पे मैं ट्राई कर सकता, लेकिन ऑफ पे सही। तो कवर से फिर फील्डिंग खाली है, तो कवर्स खेलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कवर्स खेल लिया तो 4 रन मिलेंगे दोबारा से। गंजे को तो चौके पे चौके पड़ रहे हैं, क्या प्यारा शॉट था। ओके, तो फुल फुल बॉल थी, लीव की है, तो वाइड नहीं थी यार ये, तो ये कैसी फील्डिंग खड़ी की है। फिर से लीव करके देखिए, ये तो मेरे ख्याल में वाइड ही होगी क्योंकि पिछली तो अलाउ हुई थी। देखते हैं यार, लैग बाय का दिया है, ऐसे तो ना करो। सही टाइमिंग अर्ली हुई है, तो ये 2 रन मिल जाएंगे आराम से। कोई बात नहीं, 2 रन मिल गए। के तो कवर फिर से खाली है, लेकिन ये लग रहा है बॉल स्ट्रेट की तरफ देगा। कवर्स पे आराम से खेल लिया और मिलेगा 6 रन। कैसे फ्लैटेस्ट सिक्स मारा है। ओह, थोड़ी सी यॉर्कर से पीछे थी। ओके, तो फिर वही फील्डिंग रखी हुई है, अगर आगे बॉल देगा तो पड़ेगा। ओके, तो सिंगल आराम से, तो गलत जगह थ्रो दे दी इस तरह। अगर डायरेक्ट थ्रो मारने की कोशिश करता तो आउट भी हो जाता मैं। तो ये प्लेयर के ऊपर से लॉफ्टेड भी खेलने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चांस नहीं लेंगे। कोई तो यार, ये भी वाइड नहीं दी, क्या कर रहा है अंपायर। 50 मैं कह रहा हूँ कर ही लें, फिर उसके बाद ही ट्राई करेंगे। तो कवर्स ही खेलते हैं 4 रन के लिए। नहीं हुआ चौका, 2 रन, 2 रन। तो दो सिंगल डबल भी होता रहे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वनडे मैच है, तो 50 पार्टनरशिप हो गई है। तो शॉर्ट बॉल करवाई है, लीव करेंगे। तो इधर जैसे मैं मार भी सकता था कट, लेकिन मैंने कहा वाइड बॉल होगी, कभी कभार तो वाइड देते भी नहीं है। तो लेग पे फील्डिंग खा ले, लेकिन ऑफ पे दे रहा, तो कवर ही हम खेलेंगे। एक जगह भी देगा बॉल, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो कवर खेलता रहूंगा। कवर मुझे थोड़ी इजी लगती है, क्योंकि लेग पे तो अगर लेग पे बॉल मिले तभी मार सकते हैं। मुझे लग रहा है कवर पे बॉल देगा, तो इसको कवर ही मारते हैं। अच्छे, सही कनेक्ट भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी 4 रन जाएंगे। ये गंजा बॉलर यार, मेरे से हर बार पिटता है। देखिए अभी वहाँ ही बार बार बॉल करवा रहा मैं, तो इसको पता है कि यहाँ पर ये मारेगा, तो लेकिन फिर भी करवाते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे बैट्समैन सेट हो जाए तो
ये लोग एक जगह ही जैसे खराब बॉल्स करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट में बताओ, जो जो खेलता है क्रिकेट 22। तो ओके, तो ऑफ पे फील्डिंग खाली मुझे लग रहा है, मुझे लग ही रहा था यहाँ देगा, इन टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई, तो बच गए हैं। कोरन ले ले मिस फील्ड, उसको देखो कैसे टहल के बॉल पकड़ रहा है, गुड। 6050 के करीब ही, अब थोड़ा देख के खेलना होगा। सिंगल ही ले लेते डबल, यार बहुत ज़्यादा रिक्स है। वो बच गए, उसकी थ्रो कैसी आई है, नहीं तो हम आउट हो जाना था अभी हमने। तो कवर से फील्डिंग खाली, जो कवर खेल दी है, कल 4 रन मिलेंगे। ओके, तो 50 हो गई हमारी। आप बताना कि आपको मेरी इनिंग कैसी लगी, 22 बॉल्स पे 50 की है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ये तो लेग पे दी है, ऑफ पे फील्डिंग खाली थी, ये थोड़ा अक्लमंद मुझे बॉलर लग रहा है। तो लेग पे बहुत देर बाद ही हमने मारा है शॉट, तो अच्छा पुल किया है। तो ये फिर से ऑफ पे फील्डिंग खाली, तो बॉल वहीं दे रहा है। ऐसे ये मेरा फेवरेट शॉट ही हो गया और खेलने मुझे इजी लगता है थोड़ा, बिल्कुल आगे ही देते हैं बॉल और कवर्स पे फील्डिंग खाली होती है। अच्छा, तो अभी बॉलर को समझा रहे जब ओवर ख़त्म हो गए, तो वैगन व्हील भी अच्छे है, बस लेग साइड पे थोड़ा कम खेलें। ओके यार, 50 तो हो गई, अभी 6 ट्राई नहीं, बहुत देर हुआ किया है। क्योंकि तो 6 ट्राई किया है तो कैसा प्यारा किया, स्ट्रेट पे छक्का मिलेगा। क्योंकि तो टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन तीनों आइडियल थे, क्या प्यारा मिडल हुआ है, उठाया बिल्कुल टाइम पे। अच्छा, मुझे लग रहा है यार सेंचुरी लग जाएगी हमारी फर्स्ट ओडीआई में, तो सिंगल लेते हैं आराम से। ओए, आउट तो नहीं है ये, क्या हुआ यार, फील तो किया उनने, मुझे भी सही समझ नहीं आ रहा। तो यार बल्ला हवा में था, और करवा लो सेंचुरी, जैसी का वैसी आउट हो गया। फिर भी नॉट बैड यार, 26 बॉल पे 66 रन बनाए हैं, 11 चौके और 2 छक्कों के साथ, नॉट बैड। ओके, तो 5 विकेट से मैच जीत गए, लेकिन मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, लास्ट मैच में भी नहीं मिला था, 91 रन बनाए थे। चलो कोई बात नहीं, मैच तो जीत गए हम। ओके, बैटिंग में कुछ खास तो नहीं बढ़ा, बॉलिंग में तो कुछ बढ़ा ही नहीं, और फील्डिंग में तो बढ़ता ही रहता है भाई, पता नहीं काहे का बढ़ता है। ओके, तो हम जिम में आई थिंक हम आ गए हैं, कुछ एक्सरसाइज करवाएगा हमें। ओके, तो अभी आई थिंक हमें जिम करनी है यहाँ पर, तो इनमें से देखते हैं कि हम क्या करें। तो ये सही लग रहा है मुझे, ये भी सही है, लेकिन वही करके देखते हैं। तो इजी में मैं करके देखूँगा, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी किया नहीं है, तो इसको पहले समझना भी पड़ेगा कि कैसे करना है, फिर देखते हैं। आई थिंक प्रेस करने हैं बटन, हाँ एक लाइन में, मतलब एक बारी में सारे प्रेस करने हैं एक साइड के। तो ये जल्दी से करते हैं। ओके, तो जिम तो हमने कर ली है, हमने 30 सेकंड में 9 स्कोर किया है और गोल्ड मेडल लिया है, तो बहुत अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से तो अच्छा किया है। ओके, तो मैच खेलते हैं अभी। ओके, तो हमारे कैप्टन ने टेल कॉल्स किया है, तो हेड्स आया, टॉस तो हम हार गए, अभी हम देखते हैं कि हमें बैटिंग मिलती है या बॉलिंग। ओके, तो बॉलिंग हमारी आई है, ओके तो हमारी बैटिंग आ गई है और 257 उन लोगों ने स्कोर किया है, तो लीव ही करेंगे क्योंकि बाहर है। टेस्ट में हम आराम से ही खेलेंगे, लीव और डिफेंस ही ज़्यादा करेंगे, T20 और वनडे में तो थोड़ा हम अग्रेसिव खेल लेते हैं, लेकिन इसमें हम आराम से खेलेंगे। क्योंकि तो फील्डिंग तो सही खाली है, देखते हैं। क्योंकि तो प्यारी बोलती है स्ट्रेट ड्राइव के लिए, मैंने सोचा जो ख़राब बॉल होगी उसको मैं खेलूँगा, ये नहीं कि भाई बहुत हार्ड बॉल है, डिफेंस फालतू बॉल को भी डिफेंस करूँ, जो मुझे लगेगी तो उसको मैं शॉर्ट खेलूँगा। ओके, तो पैर के आगे बोलती कवर्स पे आराम से खेलेंगे, फुटवर्क निकाल के, फुटवर्क टाइमिंग सब कुछ आइडियल थी, क्या प्यारी कवर ड्राइव लगी, लेकिन ये रीप्ले कहाँ का दिखा रहे हैं।
इस बार भी सेम लाइन लेंथ है, तो ले बॉल थोड़ी अंदर थी तो ये भी कवर की तरफ खेल दिया, तो रोक लिया। 3 रन तो लेंगे हम, एक और रन ले लेते जल्दी से भाग, तो 3 रन आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो इस बार शॉर्ट बॉल थी, लीव करते हैं इसको। तो कवर से फिर फील्डिंग खाली थी, मैंने बोला इधर ही शॉर्ट खेल लेते हैं, टाइमिंग और शॉर्ट सिलेक्शन भी अच्छा हुआ है, बिल्कुल मिडल हुई थी बॉल, क्या प्यारी कवर ड्राइव लगी है। ओके, तो सेम शॉट जो है वो मैं काट रहा हूँ ताकि आप भी बोर ना हो, तो अंदर की तरफ से डिफेंस करते हैं इसको। ओके, तो फिर से कवर पे फील्डिंग खाली थी, उठा के बॉल दी, मैंने सोचा था लीव करूँ, लेकिन ये मतलब सही मिडल हुई है बॉल, 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो कप्तान ने स्पिन को लगा दिया, तो स्पिन मुझे वैसे ही खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो कवर पे फील्डिंग खाली देख के मैं खेलूँगा, या ये ना हो कि कट निकल के कीपर कैच कर ले, तो इसको कवर्स पे खेल देते, क्योंकि बॉल बिल्कुल पैर के आ गई थी, खतरा नहीं था, अगर थोड़ी पीछे देता तो फिर मुश्किल होती खेलने में, लेकिन ये आराम से हमने खेल लिए। ओके, तो इधर रिवर्स पे खेल सकते हैं हम, तो खेलने कोशिश करते हैं, तो सही कनेक्ट नहीं हुआ, लेट हो गए थे थोड़ा, कोशिश अच्छी थी। तो दोबारा से रिवर्स से खेलने कोशिश की थी, सेम शॉट सेम रिजल्ट। तो लेग साइड पे फील्डिंग खाली है, तो अगर लेग साइड पे बॉल देंगे तो खेल सकते हैं यहाँ पर हम, तो लेग साइड पे है तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा पीछे हटके खेला, लेग शॉट हुआ, 2 रन मिल जाएंगे। दोबारा से लेग साइड पे फील्डिंग खाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ पर बॉल देगा, सामने की तरफ दिए कवर जी खेलते हैं, तो कैसा बुलेट शॉट लगा है, टाइमिंग भी आइडियल हुई है। रीप्ले यार ये सही नहीं दिखाते, सारे शॉट का मजा खराब कर देते हैं। फिर तो इधर से भी 4 रन मिलेंगे, अच्छी कवर ड्राइव, आइडियल टाइमिंग हुई है, और 50 पार्टनरशिप हो गई है बैट्समैन की। तो रिवर्स स्वीप खेलने के भी हम कोशिश करते हैं, बॉल भी बाहर थी तो अच्छा ये कनेक्ट हुआ है, बहुत देर के बाद हुआ अच्छा कनेक्ट रिवर्स स्वीप। रीप्ले यार, तो वही फील्डिंग रखी हुई है, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया, फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो इस साइड लेग साइड पे बॉल दी तो हमने वहीं खेल दिया, 2 रन मिल जाएंगे मेरे ख्याल में, तीसरा भी ले लेते हैं। ये फील्डर को जगाओ, वो खड़ा हो आराम से देख रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमारा फ़ायदा हो गया, 3 रन मिल गए हमें। तो फिर से लेग साइड से बॉलिंग करवा रहे, पैरों के आ गई थी, तो कवर भी खेलेंगे, या फिर स्ट्रेट ड्राइव या कवर ही खेलने का ऑप्शन होता है, तो हमने कवर्स खेला है, 2 रन मिल जाएंगे आराम से। तो लेग साइड पर फील्डिंग खाली है, ट्राई किया है तो पकड़ लिया, सिंगल लेते हैं, कि तो पहुंच गए, डायरेक्ट हिट भी लग गई थी, फिर भी हम बच गए हैं। ओके, तो फिर से कवर्स के आगे बॉल दी है, खेल देंगे, तीनों चीज़ें आइडियल थी, अच्छा कनेक्ट हुआ है, मिलेंगे 4 रन, बस 50 में हमारे कितने रन रह गए देखते हैं, कैसी मिडल हुई थी बॉल, कि तो मेरे ख्याल में 1 रन रह गया। तो सिंगल आराम से लेते हैं, जैसे 50 अपनी पहले करते हैं, डबल ले लेते हैं, बॉल छोड़ दिए, डबल मिल गया, 50 हमारी हो गई है, तो 9 चौके मारे 24 बॉल्स पे, 51 रन बनाए हमने, 40 मिनट खेले हमने। तो रीप्लेस दिखा रहे हैं, तो चारों तरफ हमने मारा वैगन विल में। ओके, तो न्यू सेशन शुरू हो गया, तो लास्ट सेशन जब हमने 50 की थी उसके बाद सेशन ख़त्म हो गया, तो अब न्यू सेशन शुरू हुआ है। लेग साइड पे फुल फील्डिंग खाली है, तो देखते हैं, अगर लेग साइड पे बॉल मिलेगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो यॉर्कर ऑफ साइड पे दी थी, तो कवर्स पे खेला है, सही कनेक्ट हुआ, अच्छा शॉट कनेक्ट हुआ, कवर्स पे 4 रन मिले। वो तो लेग साइड पे बॉल दी थी तो सही कनेक्ट नहीं हुई, अर्ली शॉट खेला, फिर दोबारा से वही फील्डिंग है, तो लग रहा आउट ना हो जाऊँ मैं, क्योंकि पिछली बार सही कनेक्ट नहीं हुई थी। लेग साइड पे ये खेलते हैं इसको, तो 4 रन मिलेंगे। अच्छा आपको मैं बता दूं कि ये ओवर की कोई 3-4 बोले जिसपे मैंने 2 सिक्स और 1 4 मारा था, तो वो ना थोड़ी लैग हो गई थी रिकॉर्डिंग, तो वो मैंने कट कर दिया, तो लीव करते हैं इसको।
तो फील्डिंग लेग साइड पे खाली रख रहे हैं। मेरी फेवरेट स्पिनर को अगर मैंने खेलना तो ये फील्डिंग होनी चाहिए, मुझे अच्छी लगती है। लेग साइड पे खेलते हैं तो ये भी 4 रन मिलेंगे। तो स्ट्रेट पे फील्डिंग खा ले, थोड़ा हटके सिक्स मारने कोशिश करते हैं। तो यार हटके क्यों नहीं मारा, उधर ही खड़ा होके। अच्छा स्टंप भी हो गए, वाह यार, थोड़ा हटके खेल लेते आप भी, कुछ पाई लेगा नहीं साला। आउट हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। 79 रन बनाए हैं 32 बॉल्स पे, 2 छक्के और 13 चौके लगाए हैं। ओके तुम्हारी सेकंड इनिंग में बैटिंग आगे 257 का टारगेट मिला है, तो इस इनिंग में हम आराम से थोड़ा खेलने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बार बॉलर लीव करते हैं उसको, क्योंकि तो यार टारगेट बहुत ज़्यादा वैसे मिला, तो मैं सोचूँ थोड़ा तेज़ ही खेलेंगे। ये भी 4 रन मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फोर्थ इनिंग में विकेट बहुत जल्दी ही निकलती हैं। अगर मैं तो विकेट रोक लूँ शायद, लेकिन दूसरे प्लेयरों के अगर निकल जाए तो मैं विकेट बचा सकूँ। तो यॉर्कर बोलती कवर्स पे खेल दिए, 4 रन मिलेंगे। ओके तो यार थोड़ा तेज़ खेलना होगा, 6 का ट्राई करते हैं। कैसा हटके खेला 6, आइडियल टाइमिंग थी इसलिए 6 ही गया। वैसे डिफ़िकल्टी मैंने भी थोड़ी हार्ड रखी हुई है, तो मुश्किल होता खेलने के लिए। वैसा हटके खेला है, 6 रन मिलेंगे। ओके तो थोड़ी हाई बॉल थी तो लेग साइड पे मैंने खेल दिया, तो 4 रन मिलेंगे। मुझे लगा नहीं था कि शॉर्ट से खेला जाएगा, पर थोड़ी बॉल बैठती तो मिस हो जाती, लेकिन बॉल थोड़ी ऊंची थी तो मैंने फ्लिक करके फिर से वही फील्डिंग रखी हुई है। कवर से फील्डिंग खाली, लेग पे भी खाली है, तो उठा के दी थी तो स्ट्रेट पे खेला है। तो अर्ली टाइमिंग हुई है, स्टंप को लग गई। तो लेग साइड पे फील्डिंग खाली, लेग साइड से बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन बॉल थोड़ा ऑफ साइड पे थी तो कवर्स पे खेला है। ये शॉर्ट खेल खेल के तो मैं तो वैसे अक गया। तो यॉर्कर बोलती एक्स्ट्रा कवर पे खेला है, अच्छी कनेक्ट हुई है, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती तो आउट हो जाना था मैंने। ओके तो थोड़ी उठा के बोल दी, लेकिन ये भी कवर पे मारूंगा। टाइमिंग अच्छी हो रही है, अगर टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ होती है इनसाइड एज हो के विकेट में भी लग सकती है, लेकिन अच्छी मिडल बॉल हुई। ओके तो पैरों के आगे बोल दी है, स्ट्रेट ड्राइव खेलेंगे। फील्डर तो खड़े हो गए, देख ही रहा था बस। 2 रन मिलेंगे मेरे ख्याल में, 2 रन ही लेते हैं बस। फिर 3 बोलों पे 3 चौके और 1 डबल हुआ है इस ओवर में। खुद ये भी चौका ही है मेरे ख्याल में, इस ओवर में तो सही इसको मार पड़ गई है बॉलर को, ये भी सोचता होगा किसको बॉलिंग करवा ली है, मिडल हुई थी। ओके तो लेग साइड पे बॉल दी है तो इधर ही खेल देते हैं, डबल रन तो मिल ही जाएंगे मेरे ख्याल में, ले लेते हैं 1 रन। ओके तो 2 रन मिल गए हैं इस ओवर में, 20 रन आए हैं बॉलर को, तो सही मार पड़ गई है टेस्ट मैच में। ओके तो कवर्स से फिर से फील्डिंग खाली है, तो कवर्स तो मैं अच्छी खेल ही लेता हूँ, तो कवर्स पे खेलने की कोशिश करते हैं। तो बॉल भी अच्छी मिली है, ओए यार कट निकल गया, लेट शॉट खेला था। कैच भी कैसा प्यारा किया है, देखना जरा, एक हाथ से मेरे ख्याल में किया है, ओह खतरनाक। कि तो यार इस इनिंग में तो 50 मैं सोच रहा था कर ही लें। कि तो मैच तो मार गए 90 रन से, तो मैन ऑफ द मैच भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि अगर इस मैच में 50 मार लेता फिर चांस होता मैन ऑफ द मैच का। कि यहाँ से देख लेते हैं कि बैटिंग के हमारे कितने स्किल्स बढ़े हैं, तो कुछ स्किल्स हमारे बढ़े हैं, बॉलिंग तो हमने की नहीं, फील्डिंग्स के तो बढ़ते ही रहते हैं। और यहाँ पर अभी देखते हैं कि मतलब टॉप स्कोरर भी हम हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ में भी हमारा सबसे ऊपर नाम है, और टॉप 6 में भी हम हैं, मतलब 6 सबसे ज़्यादा हमने मारे हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं बॉलिंग का, ये बैटिंग का, तो यहाँ पर भी हम टॉप पे हैं। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके तक पहुंच सके। आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, गुड बाय।